हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आयुष नेटवर्क की अब तक की सारी अपडेट कवर करने वाले हैं। क्या कुछ चल रहा है आयुष नेटवर्क में, सब कुछ इस वीडियो में डिटेल में बात करने वाले हैं। दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं, आयुष नेटवर्क ने यहां पर हमारा जो क्वाइन है, करीबन 84,000 क्वाइन थे, जो इस समय 61,000 क्वाइन बचे हुए हैं, यानी हमारा 20 से 22-25 हज़ार क्वाइन यहां पर माइनस हो चुका है। अब यहां पर क्वाइन क्यों घट रहा है, इसके पीछे का जो रीजन है, हमारे रेफरल के थ्रू यहां पर जो भाई ज्वाइन हुए थे, यहां पर देख सकते हैं उनका जो क्विज वेरिफिकेशन है वो यहां पर अनसक्सेसफुल रहा, यानी फेल हो गया, जिसकी वजह से उनके जो टोकन हो गए बर्न हो गए। लेकिन उनकी वजह से जो हमारा माइनिंग रेट इंक्रीज हुआ था, हमारे रेफरल के थ्रू उन्होंने ज्वाइन किया था, तो हमारा जो माइनिंग रेट इंक्रीज हुआ था, उस माइनिंग रेट के इंक्रीज होने की वजह से जो हमें एक्स्ट्रा क्वाइन अर्न हुए थे, वो सारे क्वाइन डेली टू डेली घटते जा रहे हैं। यानी यहाँ पर जैसे जैसे जिसका यहाँ पर माइनिंग डिसेबल होता जा रहा है, यहाँ पर क्विज वेरिफिकेशन डिसेबल हो, मतलब अनसक्सेसफुल हो रहा है, फेल हो रहा है, वैसे वैसे यहाँ पर क्वाइन घटते जा रहे हैं। तो एक रीज़न ये है, तो इसमें सोचना नहीं, अगर आपके क्वाइन घट रहे हैं तो यहाँ पर घट इस वजह से रहे हैं क्योंकि यहाँ पर आपके रेफरल के थ्रू जो आप ज्वाइन हुए थे उनका जो है क्विज वेरिफिकेशन फेल हो गया है, इसकी वजह से घट रहे हैं। अब यहाँ पर दूसरा, जिन भाइयों ने स्टेकिंग वगैरह लगाया था, उनका रीसेट कर दिया गया, तो इसके स्टेकिंग की वजह से जो उन्हें बेनिफिट हुआ था वो सब भी यहां पर माइनस होगा, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो यहां पर क्वाइन घट रहे हैं तो वो आइस नेटवर्क ने इस चीज को बता रखा है, तो इसमें मत सोचिएगा कि सिर्फ आपके साथ ये सीन हो रहा है, ये सीन सभी के साथ हो रहा है। दूसरे पॉइंट पर आ रहे, तो यहाँ पर आइस नेटवर्क का जो माइनिंग रेट है जीरो है, देख सकते हैं यहाँ पर जीरो है, तब भी आपको आइस नेटवर्क ने कंपलसरी कर दिया है कि माइन करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो घटना शुरू हो जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे 24 घंटा पूरा हो जाता है अगर हम माइन नहीं करते, तो यहाँ पर जो हमारा माइनस है वो 25-30 इस प्रकार से माइनस होने लगता है क्वाइन, तो ये चीज़ ध्यान रखना। अब आते हैं यहाँ पर आइस नेटवर्क के एप्लीकेशन में, यहाँ पर एक मैसेज फ्लैश हो रहा है ऊपर, अगर आप देखेंगे कि आपको BNB स्मार्ट चेन का एड्रेस ऐड कर देना है, यहाँ पर जाकर आपको BNB स्मार्ट चेन का एड्रेस जरूर ऐड कर देना है। अब यहां पर कुछ भाई पूछ रहे थे कौन सा एड्रेस यहां पर ऐड करें, तो मैं आपको यहां पर ट्रस्ट वॉलेट या मेटामास का BNB का एड्रेस आपको निकाल देना है। यहां पर देख सकते हैं ये हमारा ट्रस्ट वॉलेट है, तो आपको ये एड्रेस यहां पर निकालना है, ध्यान रखना। इस पे जाएंगे BNB पे, तो यहां पर ध्यान रखना कि BNB स्मार्ट चेन लिखा हुआ है ना, BNB यही एड्रेस आपको काले वाले BNB का निकालना है। काफी भाई यहां पर नहीं चूज कर पाते कि कौन सा एड्रेस यहां पर हमें निकालना है, तो आप इस प्रकार से यहां पर इस एड्रेस को डाल दीजिएगा BNB का, क्योंकि जो टोकन है इसी में डिस्ट्रीब्यूट होंगे और 28 फरवरी के पहले पहले यहां पर जो क्वाइन है डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे, जैसा कि आइस नेटवर्क ने बोला है, उस मतलब इसी डेट के आसपास यहां पर देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों क्विज वेरिफिकेशन की बात करें, तो यहां पर हमने आप देख सकते हैं टेलीग्राम पे कम्युनिटी पोस्ट डाला हुआ था, तो यहां पर 39% भाइयों ने बोला है कि हमारा जो क्विज वेरिफिकेशन है वो सक्सेसफुल रहा, और वहीं हमने इस चीज को यूट्यूब पर भी डाला तो 51% लोगों ने बोला कि यहां पर हमारा जो क्विज वेरिफिकेशन है वो सक्सेसफुल रहा। इसके पीछे का रीजन यह था कि दोस्तों यहां पर आपको प्रैक्टिस करनी थी, यहां पर PDF नंबर 10 शेयर किया है, जिन भाइयों का अभी भी टाइम बचा हुआ है जाकर PDF में प्रैक्टिस करके यहां पर कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल और आसान है दोस्तों। बहुत लोगों ने यहां पर वीडियो देख देख के सिर्फ लर्न कर लिया सारे क्वेश्चन, और मैंने तो PDF के माध्यम से आपको दे दिया, पूरा प्रोसेस बता दिया कि कैसे आप यहां पर पूरा जो डेटा है वो यहां पर देख देख के प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो आज जिन्होंने किया है उन्होंने क्रॉस कर लिया, तो ऑलमोस्ट हम इस बात से खुश हैं कि हमने जो PDF बनाया था आप सभी लोगों के लिए, उसमें से उस PDF के थ्रू कई भाइयों ने अपना जो क्विज वेरिफिकेशन है वो सक्सेसफुल किया। अब बात करें आइस नेटवर्क किस प्रकार से लोगों के साथ स्कैम किया, एक प्रकार से स्कैम ही समझो या धोखा दिया। देखो जब कोई प्रोजेक्ट मार्केट में आता है तो वो कुछ देने के पर्पस से भी आता है, कुछ लेने के पर्पस से भी आता है, लेकिन आप ये गलत फहमी में मत रहिएगा कि मार्केट में आइस जैसे प्रोजेक्ट जो आते हैं XYZ कोई भी प्रोजेक्ट हो वो हमें फायदा देने के लिए आते हैं, नहीं, वो खुद पैसा कमाने आते हैं, मार्केट से पैसा बनाने आते हैं। फायदा तो हमें तब होता है जब वो खुद पैसा बनाते हैं और उनके जो इनिशियल इन्वेस्टर होते हैं, इनिशियल उस प्रोजेक्ट को सपोर्टर होते हैं या फिर सपोर्ट करते हैं, उनको प्रॉफिट होता है तब जब वो खुद पैसा कमाते हैं। लेकिन आइस नेटवर्क ने ये सारी चीजें फुलफिल कर ली, यानी उन्होंने जो इन्वेस्टर थे यानी जो इनके सपोर्टर थे उनसे पूरा सपोर्ट ले लिया, और लास्ट में इन्होंने क्या बोला कि अब हम यहां पर आपको क्वाइन नहीं देंगे, इस प्रकार का इन्होंने बोल दिया, यानी क्विज वेरिफिकेशन ला दिया, उसके बाद माइनिंग रेट घटाने लगे, उसके बाद ये ब्लॉकचेन पे फोकस कर रहे हैं, इसी वजह से सारी चीजें कर रहे हैं, इस प्रकार का ये कहीं ना कहीं कमिटमेंट करने लगे। देखो ये सारी चीजें थी तो पहले बता देना चाहिए कि भैया आगे चल के यहां पर हम माइनिंग टोटली क्या करेंगे कि क्विज वेरिफिकेशन लाएंगे और आप इस तरह का डिफिकल्ट रहेगा, तो ये चीजें पहले ही बता देते हैं ना, लेकिन ये चीजें गलत है कि इस प्रकार से अभी तक इस प्रकार का कोई भी बात करें
किसी भी प्रोजेक्ट ने इस प्रकार की चीफ हरकतें नहीं की है। देखो अगर आप अपने जो इनिशियल सपोर्टर हैं उसको नाराज कर देंगे तो प्रोजेक्ट आगे चल के जिस प्रकार से आप प्लान कर रहे हो वो सक्सेसफुल नहीं होगा। आप कोई और मेथड लाते, कोई स्टेकिंग का लाते, अगर आपको अपने टोकन की प्राइस बढ़ानी है तो स्टेकिंग मैकेनिज्म ले आते या लॉकिंग का कुछ रख लेते या कुछ और तरह का रास्ता निकल आता, लेकिन उन्हें टोटली आउट कर देना जिन लोगों ने सालों से मेहनत किया है। यार देखो क्रिप्टो में फ्री वाले प्रोजेक्ट में वही लोग आते हैं जिनके पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए तो ज़्यादा पैसा नहीं होता या फिर इन्फॉर्मेशन कम होती है। ध्यान रखना आइस में वही लोग आए हैं, ये मत सोचो जिनके पास करोड़ों पैसा है वो आइस टोकन माइन करेगा, तो ये गलत फहमी में मत रहिएगा। हम जैसे जो यहाँ पर कम पैसे के साथ क्रिप्टो में आते हैं तो वो फ्री में अर्न करने के बारे में सोचते हैं या इन्फॉर्मेशन कम होती है क्रिप्टो के बारे में। बहुत सारे भाइयों का क्या है कि उनका क्विज वेरिफिकेशन पहले स्टार्टिंग में पता ही नहीं था और उन्होंने 3 चांस पहले ही गंवा दिया। तो इस प्रकार की चीज़ें नहीं करनी थी आइस नेटवर्क को, इसे सीधे सीधे बोलते हैं स्कैम करना। आप कुछ भी सोचो कि हम आगे चल के आइस नेटवर्क को यहाँ से वहाँ पहुँचा देंगे, इसका प्राइस मतलब 100x 200x पहुँचा देंगे और उसके साथ साथ ये प्रोजेक्ट आसमान में उड़ जाएगा, बहुत सारे यूज केस वगैरह लाएंगे, वो बात की बात है, लेकिन इस प्रकार से चीट करना वो गलत बात है। रियली बता रहा हूँ, ये चीट ही बोलते हैं इसे, इस प्रकार से आउट करना वो चीट ही है। अगर आप कोई और मेथड लाते स्टेकिंग का लॉकिंग का तो उसमें कोई ना कोई सभी खुश रहते। बहुत सारे भाइयों ने जो आइस नेटवर्क का ऐप था वो इंस्टॉल कर दिया है, इसके पीछे रीज़न कि उन्होंने क्या किया मतलब उनका जो डिसेबल हो गया। इस प्रकार की चीट हरकतें नहीं करनी चाहिए। तो आई होप दोस्तों ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। बहरहाल मैं ये नहीं कह रहा कि फ्यूचर में ख़त्म हो जाएगा, प्रॉफिट नहीं देगा, देगा बहरहाल, लेकिन ये जो काम किया है ना इसे बोलते हैं चीट हरकत किया है, मतलब इस तरह की चीज़ें नहीं करनी थी। बहुत अच्छा मैं इसको समझता था कि आइस नेटवर्क बहुत अच्छा एक प्रोजेक्ट है और कहीं ना कहीं इसके पीछे जो बैकएंड में टीम है काफ़ी अच्छा माइंड सेटअप के साथ काम कर रही है, लेकिन भाई इस तरह जो इनिशियल बेचारे फ्री में अर्न करने आए थे उनको ऐड कर दिया तो गलत बात है भाई। और किसी प्रकार की चीज़ें छूट रही है डेफिनेटली दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप बताइएगा। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलता हूँ एक नए वीडियो में, थैंक यू सो मच। हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका भाई क्रिप्टो कैब, इस वाली वीडियो को क्लिक करके देखो दोस्तों, ये झूठ बोल रहा है, मैं हूँ रियल क्रिप्टो कैब। इस पर क्लिक करो, इस पर आप सब्सक्राइब बटन, दोस्तों इस पर सब्सक्राइब बटन, इस पर इस वाली पर क्लिक, इस वाली क्लिक, इस वाली स्टॉप इट, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन और ये वाली वीडियो।